नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मौलाना इकबाल कादरी का पुखराना कस्बे में अरुण यादव उर्फ बबलू राजा ने किया जोरदार स्वागत। जी हां, आपको बता दें, पूरा मामला तहसील भोगनीपुर क्षेत्र के कस्बा पुखराया का है, जहां आज सपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी का सपा नेता अरुण यादव उर्फ बबलू राजा के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत करते हुए अखिलेश यादव आजम खान जिंदाबाद के नारे लगाए। बताते चलें कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव में विजय पाने के लिए बिगुल बजा दिया है, जिसको लेकर जगह जगह कार्यकर्ताओं ने लोगों को सपा सरकार बनाने की अपील की जा रही है, जिसको लेकर आज अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए यूपी सरकार व केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार है, जो किसान विरोधी, युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ था, देश में अराजकता का माहौल कर रखा है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि 2022 विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाकर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं। अखिलेश सरकार ने किसानों, युवाओं के भविष्य को लेकर कई अहम फैसले लिए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने पानी फेर दिया। सपा सरकार ने आज तक प्रदेश के विकास के हर वादे पूरे किए। 2022 सपा सरकार बनने के बाद अखिलेश सरकार युवाओं, किसानों व प्रदेश के हित के लिए अहम फैसले लेगी। आपका नाम, परिचय और आज आपका कस्बा पुखराय में बबलू यादव जी के यहाँ स्वागत सम्मान किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा परिचय है मौलाना इकबाल कादरी और मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज हमारे बबलू भाई और हमारे पुखराया और पुखराए के अमरौथा तमाम लोगों ने स्वागत करने का जो फैसला किया है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूं। और ये मेरा पहला दौरा था, मैं जालौन का रहने वाला हूं। समाजवादी पार्टी से बहुत पुराना मेरा ताल्लुक़ है। समाजवादी पार्टी का पैगाम है कि सबसे पहले अमन, मोहब्बत, भाईचारा कायम करो, छोटे और बड़ों से नफरत जो लोगों ने पैदा कर दी है उसको दूर करो। हमारा कोई वर्ग का आदमी हो, हम उसे अपना भाई समझते हैं, और जो नफरतों की दीवारें पुरानी सरकारों ने खड़ी कर दी हैं, समाजवादी पार्टी उस दीवारों को मिटाना चाहती है, गरीब चाहती है, किसानों और मजदूरों को उठाना चाहती है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना चाहती है। जिस तरीके से आपने 2012 की सरकार में समाजवादी को देखा भी होगा, अगर एक मर्तबा आप, और सरकार आ रही है, आप जो है तो पूरी जनता तैयार है, अगर 2022 में अखिलेश की सरकार बन गई तो मैं ये समझता हूँ कि घर घर खुशहाली हो जाएगी और बेहतरीन जो है आप ये प्रदेश एक अच्छा प्रदेश बन गया।